बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है। वहीं बिहार सरकार ने स्टूडेंट के हित में एक बड़ा फैसला ली। यूं कहे कि पेपर लीक को लेकर के नया कानून बनाया गया है, जिसमें अगर पेपर लीक करते हुए कोई पकड़ा जाएगा उसको 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं सम्राट चौधरी जी बिहार के डिप्टी सीएम है, इस नियम को लेकर के और तेजस्वी यादव पर क्या कुछ तंज कस रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। यदि 75 वर्ष से अधिक वर्ष हो रहे हैं देश की आजादी का, उसमें से 55 वर्षों तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने राज किया। यदि कांग्रेस ने विकास कर दिया होता तो दूसरे पार्टी को विकास की चिंता नहीं करनी पड़ती, दुनिया में हम आगे बढ़ गए होते। जो इकोनॉमी के तौर पर हमको चिंता करना पड़ता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता करते हैं और 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था को लाने का काम किया। इसलिए कई चीजें अभी और हम लोगों को काम करना है। खासकर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 10 लाख करोड़ रुपया इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए दिया है। 3 लाख हाउसिंग का प्लान, 3 करोड़ हाउसिंग घर बनाने के लिए पूरे देश में व्यवस्था किया गया। तो हम पूरी तरह बिहार के जितने छूटे हुए गरीब है सबको पक्का मकान मिले, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि लगातार सकारात्मक पहल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल कहती है सिर्फ ट्विटर बाबा के तौर माध्यम से लोग अपना बयान दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सदन का सत्र चल रहा है और आप सोचिए युवराज ही गायब है। कोई लोकतंत्र से प्यार नहीं है, ये सत्ता विरासत में मिली है लेकिन इसको संभालने का भी काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं कर रहे। और राष्ट्रीय जनता दल वो जनता दल की सरकार रही जिसको 4000 करोड़ रुपया आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था, वो भी खर्चा नहीं कर पाई। जब एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तब जाकर उसको उपयोग करने का काम किया गया। इसलिए लालू जी विनाश के लिए जाने जाते हैं बिहार। और आज ही देखिए, आज इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा था, बिहार में छात्रों का जीवन खराब नहीं हो उनके लिए कानून बन रहे थे, परीक्षा में संशोधन कानून लाए गए कि कोई कदाचार करते हुए, कोई अपराध करते हुए, कोई नकल करते हुए यदि कोई इस तरह की व्यवस्था करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई, केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया और बिहार में भी कानून बनाया। लेकिन राजद के लोग, महागठबंधन के लोग उससे भी बाहर रहे, इसलिए ये विकास विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है और बिहार में सिर्फ अपराध का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन कर सकती है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेपर लीक को लेकर के साफ साफ कह दिया कि जो भी अब लोग पेपर लीक कराएंगे उनको यानी दंड देना हो, दंड से गुजरना हो, यूं कहे कि उनको 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ जुर्माना देना होगा। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार जो है उन्होंने, तेजस्वी यादव ट्वीट करते रहते हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि आरजेडी के ट्विटर बबुआ जो है सदन से गायब हैं और ये लोग लोकतंत्र की परिभाषा बताते हैं। आखिर में जो लोग सदन से गायब हैं उनको क्या मतलब है, उनको विकास से क्या मतलब है, वो लोग विकास के बारे में सोचते भी नहीं, वो लोग तो विकास विरोधी है। और हम लोग लगातार जो नियम बना रहे हैं, जो पेपर लीक को बना रहे हैं, वो लोग वॉकआउट करने का, सदन से वॉकआउट करने का काम किए। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।